और चलिए अब देख लेते हैं फटाफट अंदाज में देश की कुछ अन्य खबरें। निजी अस्पतालों के लिए देश में उपलब्ध सभी वैक्सीन की कीमतें तय। कोविशील्ड 780 रुपए, कोवैक्सीन 1410 रुपए, स्पुतनिक वी 1145 रुपए में। जुलाई में शुरू हो सकता है संसद का मॉनसून सत्र। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा सत्र से पहले कर्मचारियों और सदस्यों को वैक्सीन का कम से कम एक डोज देना जरूरी। यूपी के कानपुर में बड़ा सड़क हादसा, बस और टेम्पो की टक्कर, 17 लोगों की गई जान, कई घायल। प्रधानमंत्री ने जताया दुख, मदद का किया ऐलान। उत्तराखंड एसटीएफ ने बैंक खातों के लिए की जा रही बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। मुख्य आरोपी नोएडा से गिरफ्तार, अब तक करोड़ों रुपए की कर चुका है ठगी। इधर आगरा के श्री पारस अस्पताल के संचालक के खिलाफ केस हुआ दर्ज, सील होगा अस्पताल। ऑक्सीजन रोकने की कथित मॉक ड्रिल का वीडियो हुआ वायरल, उसके बाद हुआ एक्शन। रोहतक में लड़की से छेड़खानी का विरोध करने पर बॉक्सर की धारदार हथियार से हत्या, सीसीटीवी में कैद हुआ मामला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड के धारचूला में लैंडस्लाइड के बाद बंद हुआ रास्ता, सेना की मदद से रास्ता खोलने की खबर। मुंबई में आज दस्तक दे सकता है मॉनसून, मौसम विभाग ने जताई संभावना, कई दिनों से रुक रुक कर हो रही है बारिश। कश्मीर में एलओसी से सटे गांवों में वैक्सीनेशन का स्पेशल अभियान, घर घर जाकर किया जा रहा टीकाकरण। कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी आई, रेलवे जल्द शुरू कर सकता है 100 नई ट्रेन। तो फिलहाल खबरों का सिलसिला इस बुलेटिन में ही तक, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे यहां पर।